मतलब आपके बिजली के बिल पहले गर्मियों में कितना आ जाया करते थे सर? बिजली का बिल गर्मियों में अराउंड 5000 के आसपास आ जाता था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील सिंह, आन्या ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज वाराणसी जिले के सुसवाही क्षेत्र में हूं, जहां पर राजीव रंजन जी के यहाँ 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा हुआ है। हम आपको चल के दिखाते हैं क्या ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम किस प्रकार से इंस्टॉल हुआ है और ये इसके क्या क्या बेनिफिट हैं और इससे राजीव रंजन जी को व्यक्तिगत रूप से क्या फ़ायदा हो रहा है। तो हम इन सभी विषयों पे राजीव रंजन जी से बात करेंगे। उससे पहले हम चलते हैं 3 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को आपसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। अभी जो ये देख रहे हैं सामने, ये 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है जो यहाँ पे सुसवाही में राजीव रंजन जी के यहाँ इंस्टॉल किया गया है। अभी जो आपका सामने पैनल दिख रहा है ये है मोनोपर्क हाफ कट बाईफिशियल, जिसमें अभी आप सामने देख रहे होंगे कि इसमें छोटे छोटे बॉक्स बने होंगे जिसे सेल बोलते हैं। यही सेल का ही काम होता है, धूप को अपने अंदर लेकर एक बैटरी की तरह चार्ज होता है। और ये जो पतली लाइनें दिख रही हैं बस बार हैं जो कि इस पूरे सेल के करंट को पूरे पैनल में फ्लो कराती है। वहीं अगर बात करें इस पैनल के बाईफिशियल क्यों कहा जाता है तो आपको मैं दिखा दूं। जिस प्रकार से ऊपर में आपको दिख रहा था सेल लगा हुआ था, इसमें क्या होता है कि नीचे भी सेल लगा होता है। पॉली सीट और मोनो सीट में क्या होता है कि पीछे साइड में एक सीट लगी होती है, पैनल में सीट लगी होती है जिसके थ्रू नीचे से कोई भी ऊष्मा ले नहीं ले पाता है और ऊर्जा नहीं ले पाता है, इस वजह से नीचे बैटरी नहीं लगी होती है। इसमें नीचे भी सेल लगी है जिसका काम है, ये नीचे से भी एक सेल काम करता है जो चार्ज करता है और चार्ज करके इलेक्ट्रिसिटी के पावर को बढ़ा देता है। अभी मैं इस पैनल की बात करूं तो ये 540 वाट का मोनोपर्क हाफ कट बाईफिशियल प्लेट है। अभी मैं स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो इसमें गैल्वनाइज आयरन का उपयोग किया गया है। ये गैल्वनाइज आयरन का चैनल है जिसके थ्रू इसमें काफ़ी मजबूती मिलती है। और पैनल की अगर बात करें तो इसमें 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी है। वहीं अगर इसके वायरिंग की बात की जाए तो इसमें देख सकते हैं आपकी पाइप का उपयोग किया गया है। पूरे पैनल से प्राप्त इलेक्ट्रिसिटी को इसी पाइप के थ्रू डायरेक्ट सिस्टम में पहुंचाया जाता है, जिस DC/DC बॉक्स में, वहाँ से इन्वर्टर में जाता है। मैं वहाँ का भी पूरा सिस्टम आपको दिखाऊँगा। वहीं अगर बात की जाए सामने की तरफ देखेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा एक नुकीली सी चीज़ जो मैं जूम करके आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये नुकीली सी चीज़ दिख रही होगी वज्र की तरह, ये है लाइटिंग अरेस्टर LA, जिसका काम होता है आकाशीय बिजली से पैनल को सुरक्षित रखना। और पैनल के साथ साथ ये आपके घर को भी सुरक्षित करती है। अगर कोई भी आकाशीय बिजली अगर गिरती है तो पैनल पे न गिर के या फिर घर पे न गिर के इसी में आती है, इसी के थ्रू सीधे ज़मीन में वायरिंग के थ्रू नीचे पहुँचा दिया जाता है। अभी आपको सामने में DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स दिख रहा होगा, जो सूर्य की किरणें पैनल पे पड़ती हैं वहाँ से जो करंट बनता है वो DC करंट के रूप में बनता है, वही वायरिंग के थ्रू DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आता है। और यही DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से इन्वर्टर को सप्लाई जाता है और इन्वर्टर का काम होता है DC को AC में कन्वर्ट करने का, और इन्वर्टर से AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में AC करंट को सप्लाई कर देता है और वहाँ से AC करंट सीधे अप्लायंसेस और घर के यूज में लिया जा सकता है। जो भी बिजली बच जाती हो नेट मीटर के थ्रू होकर सीधे ग्रिड को सप्लाई कर दी जाती है और वहाँ पे नेट मीटर कैलकुलेट करता रहता है कि आपने कितने ग्रिड को बिजली दी और कितना ग्रिड से लिया। वो सारा कैलकुलेशन के बाद अगर कि आपने जितना ग्रिड को दिया है उतना ही आपने बिजली कंजप्ट की है रात के समय में, तो आपका जो बिल होगा वो 0 हो जाएगा। सर से मिलाते हैं जिनका ये पूरा पैनल सेटअप लगा हुआ है। तो जैसा कि आप लोगों से मैंने बताया था कि सबसे पहले हम राजीव रंजन जी के सिस्टम को अपडेट करेंगे, उसके बाद हम स्वयं राजीव रंजन जी से आपसे अपडेट करेंगे। सर पहले आप पूरा परिचय दें कि आप कहां से हैं, क्या हैं, सब पहले अपने बारे में बताएं सर। मैं राजीव रंजन हूं और मैंने एयरफोर्स से रिटायरमेंट लिया है 20 साल के सर्विस के बाद। तो सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने सिस्टम लगाया हुआ है और 3 किलोवाट का सर ने सिस्टम लगाया हुआ है, सर पहले बनारस में बिजली की क्या समस्याएँ थी, अब क्या हैं और बिजली के बिल को लेकर अभी
कुछ इशू रहता है लोगों के अंदर? देखिए, बिल तो मेरा टाइमली जनरेट हो जाता था पहले भी और अभी भी, बिल में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी कितना महंगा होता जा रहा है? हाँ, बिजली बिल तो बढ़ ही रहा है डे बाई डे। तो बिजली अभी ऑलमोस्ट 7 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट आ रहा है। 7 रुपये पर यूनिट कॉस्ट आ रहा है? जी जी, पहले से बढ़ गया है। जी जी, बढ़ गया। तो जनरेशन भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि अप्लायंसेस भी बढ़ रहे हैं लोगों के। जी जी, कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है। सर, अभी मैं बात करूं तो आपके पास कितने अप्लायंसेस वगैरह होंगे? लगभग आजकल हर घर में तो देखिए एसी, गीजर, समरसेबल, कूलर, फैन, टीवी, फ्रिज, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये तो सबके पास हैं। डोमेस्टिक कंजम्पशन में तो ये हैं ही हैं। जी, अगर बात की जाए तो आपने सर ये कैसे सोचा कि, मतलब आपका सोर्स क्या था कि पता करें कि मैं? देखिए, सोलर में तो ऑन ग्रिड सोलर में जाऊंगा। सोलर के लिए तो मैंने रिसर्च किया है। यही एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, गुड़गांव में है सोलर का। तो बाकी सारा जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स है वो दूसरे देशों में है। ये एक ऐसी चीज़ है, मोदी जी की ऐसी पहल है जिसका हेडक्वार्टर हमारे देश के गुड़गांव में है। तो इसके लिए तो मैं 2-3 साल से था कि इस ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लेना है, क्योंकि ऑफ ग्रिड पहले से आपको पता था ऑन ग्रिड के बारे में। जी, मैं पूछूं कि आपको किस सोर्स के थ्रू पता चला कि बनारस में हमारी कंपनी है? जी, बनारस में मैं गूगल सर्च कर रहा था तो देखा कि अन्या ग्रीन जो है वो यहाँ की सबसे पुरानी कंपनी है। आई थिंक इसको 12 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव है बनारस के लिए, तो इसलिए मैंने अन्या ग्रीन को अप्रोच किया। जी, और इसलिए मैंने ये, अगर मैं बेसिकली बता दूं तो पूरे पूर्वांचल का, ईस्ट यूपी का सबसे पुरानी कंपनी है। जी जी। तो सर, मैं अगर कि मैं बात करूं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की, तो आपको सिस्टम के बारे में भी लगभग सारा चीज़ पता होगा। सर, मैं बात करूं पैनल की, तो सर पैनल कितने वाट का होगा आपका? ये मेरा पैनल 540 वाट का है और ये बाईफेसियल पैनल है। जी, मोनो पर का हाफ कट बाईफेसियल पैनल लगा हुआ है और इसका जनरेशन अच्छा है, कोई इशू नहीं है। जनरेशन अच्छा है? हाँ, 3 किलोवाट में, हाँ, 2600 वाट जनरेट कर देता है ये। अगर कि मैं बात करूँ इसके, मतलब आपके बिजली के बिल पहले गर्मियों में कितना आ जाया करते थे सर? बिजली का बिल गर्मियों में अराउंड 5000 के आसपास आ जाता था। जी। बट ये चूंकि अभी बारिश का मौसम है इसलिए थोड़ा सा बिल रिड्यूस तो हुआ है, बट उस हिसाब से अभी रिड्यूस नहीं हुआ क्योंकि बार बार बादल आ जा रहे हैं, बारिश हो रही है, तो थोड़ा जनरेशन में फ़र्क तो आ रहा है, बट फिर भी ऑलमोस्ट 25% to 30% तो रिड्यूस होकर बिल आ ही रहा है। आपका कंजप्शन भी कुछ ज़्यादा है क्योंकि मैंने घर को देखा, काफ़ी बड़ा है। जी जी जी। तो 4 तल्ले का घर है और हमको लगता है कि बनारस में इतना बड़ा घर बहुत नहीं बड़ा घर नहीं है, ठीक है, फिर भी बहुत ही बड़ा है, नॉर्मल लोगों के लिए बहुत बड़ा है। आपका कंजम्पशन कुछ ज़्यादा ही होगा। जी जी जी। तो अभी इसमें एक्चुअली 2 मीटर है, कमर्शियल का अलग मीटर है, तो उसके लिए भी मैं सोलर का प्लान कर रहा हूँ। कमर्शियल? जी जी, कमर्शियल के लिए भी मैं सोलर का प्लान कर रहा हूँ और अभी 4-5 महीने के अंदर फिर मैं उसका भी एक सोलर प्लान लगा लूँगा अलग से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने फिर हमें एक मौका दिया। तो अभी मैं बात करूँ सर कि कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जैसे कि कस्टमर के अंदर डाउट होते हैं कि मैं ऑन ग्रिड में जा रहा हूँ, बैटरी है नहीं, बैकअप है नहीं, तो मेरे लिए किस लिए बेनिफिशियल है? देखिए, ऑन ग्रिड में सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये है कि इस पर आपको गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी दे रही है। अगर आप 3 किलोवाट तक का पैनल लगाते हैं तो आपका टोटल खर्च अगर मान लीजिए 1,80,000 रुपये आप कंपनी को देना पड़ रहा है, उसके बाद उस पर तो आपको 1,08,000 रुपये सब्सिडी मिल जा रही है। तो सबसे बड़ा बेनिफिशियल तो आपके लिए यही है। अगर आप ऑफ ग्रिड के लिए जाइएगा तो बैटरी एक्स्ट्रा आपके लिए लगेगा, फिर कनेक्शन आपके वो लेना है नहीं लेना है वो आपके ऊपर है। सब्सिडी भी मिलती है? सब्सिडी भी मिलती है सर। अगर कि मैंने बात किया कि आपने मतलब पैनल हमारे कंपनी से लिया, तो सर आपका मतलब कुछ प्रोसेस वगैरह किया गया होगा, तो पूरा प्रोसेस अगर दर्शकों को बढ़िया से देखिए। मैं सबसे पहले आपके कंपनी को अप्रोच किया तो उन्होंने बोला कि आप साइट विजिट करेंगे, तो उससे पहले बोला सर आप एक बार आइए मेरे ऑफिस को देखिए। मैंने गया, आपका ऑफिस ककरमत्ता में है, तो मैं उस ऑफिस को विजिट किया, BLW के सामने। तो मेरे को अच्छा लगा, पूरा सेटअप था। उस सेटअप को देखने के बाद मैंने उनको बुलाया, तो उन्होंने साइट विजिट के लिए आए। साइट विजिट में उन्होंने स्पेस वगैरह देखा, बोला सर स्पेस का कोई इशू नहीं है आपके यहाँ, मैं आप अपना एक पुराना बिल दे दीजिए। मैंने उनको बिल दिया,
उस बिल के बेसिस पे उन्होंने फिजिबिलिटी के लिए अप्लाई किया, मेरा फिजिबिलिटी आ गया बिजली विभाग से। फिर उन्होंने बोला सर आप कैसे लगाओगे, लोन पे लगाओगे या कैश लगाओगे। बेसिकली ये क्वेश्चन होता है जी, तो मैं बोला कि आप जैसा अगर लोन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर बोला कि ठीक है सर आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट मेरे को फॉरवर्ड कर दो, लोन के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, हम खुद ही लोन करा देंगे। खुद ही करा दिया जी, जी खुद ही करा दिया। मेरा क्रेडिट स्कोर अच्छा था, सिविल स्कोर अच्छा था, तो उन लोगों ने लोन करा दिया। 20% मैं डाउन पेमेंट किया, बाकी 80% का लोन हो गया एक साल के लिए। अच्छा तो सर बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि लोन पे अगर की कराएंगे तो गवर्नमेंट सब्सिडी देगी या नहीं देगी, बहुत सी भ्रांति आप नहीं देखिए। सब्सिडी टोटली डिफरेंट है, जब आपकी पूरी फाइल कंप्लीट हो जाएगी, इंस्टॉलेशन हो जाएगा, नेट मीटर लग जाएगा, तो वो जो पीएम सूर्य घर योजना के तहत वो खुद ही वो अप्लाई कर देंगे आपके इंड से। जब वो अप्लाई हो जाएगा तो सब्सिडी अलग चैनल है और लोन अलग चैनल है, लोन और सब्सिडी का कोई लिंक नहीं है। नहीं बहुत से लोगों को जैसे नहीं नहीं मेरी तो सब्सिडी नहीं नहीं मेरी सब्सिडी तो 15 दिन के अंदर ही आ गई थी। 15 दिन के अंदर ही? जी जी जी। सर कितनी आ गई थी आपकी? मेरी 78,000 रुपये सेंटर से और 30,000 रुपये स्टेट से, टोटल देखा जाए तो 1,08,000। जी 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 जी। तो सर 1,08,000 रुपये वो भी आ गए, बिजली के बिल भी पहले से कुछ कमी आ रहे हैं जबकि बारिश का मौसम है जी। तो सर अभी आप कैसा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं या फिर कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं अभी देखिए लगाने से तो बेनिफिशियल है। सर क्या जानते हैं कि आपकी 1 किलोवाट बिजली बनाने में जितना प्रदूषण होता है उसको कंज्यूम करने के लिए 46 पेड़ लगते हैं, तो आपने 3 किलोवाट का लगाया है सर। अगर कि आप सब मल्टीप्लाई करके देख लें तो जितना भी बिजली आप अभी यूज कर रहे हैं, भविष्य में यूज कर रहे हैं, तो 46 पेड़ों से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने लोग भविष्य के लिए आप इन्वायरमेंट के लिए काम करेंगे। अगर कि कहा जाए कि आप अपने घर पे यहाँ पे बनारस में कितने पेड़ लगा सकते हैं तो शायद आप कहते कि शायद 1-2 लगा पाता। तो अभी आप अपने छत पे 138 पेड़ लगा लिए, अभी कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और एक जानकारी और बता दूं मैं आपको कि एक यूनिट बिजली पैदा करने में आपको 0.5 किलो कोयला लगता है और मीठा पानी का यूज होता है जिसकी कमी है चेन्नई वगैरह में। तो फिर अभी आप तो एयरफोर्स में विजिट होता ही होगा कि 900 फीट तक नीचे पानी नहीं है, तो मीठा पानी, कोयला और प्रदूषण, तीनों से हम अपने भविष्य की रक्षा कर रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है अभी ये कि इन्वायरमेंट में इसमें मेरा इतना पॉजिटिव योगदान है तो ये चीज़ें तो सही में बहुत हेल्पफुल है। ग्रीन गैस एनर्जी से अगर इसी तरह सारे लोग अपने छतों पे सोलर लगवा लें तो उनका तो खुद फाइनेंशियली बेनिफिट होगा ही, उनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द अर्थ है। तो गो ग्रीन की तरफ हमेशा हम लोग, इसीलिए अन्य ग्रीन एनर्जी, ग्रीन टी शर्ट भी पहने हैं, ग्रीन टी शर्ट भी मैं पहना हूँ, तो ये तो बहुत बड़ी बात है जी। सर धन्यवाद। आप लोग भी अगर कि अन्य ग्रीन एनर्जी से जुड़ना चाहते हैं, परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप भी पर्यावरण में सहयोग करें और साथ साथ अपने घर की बचत करें और पीएम सूर्य घर योजना की बिना किसी भाग दौड़ के और फाइनेंस भी बिना किसी भाग दौड़ के कराना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी, सर के साथ वार्तालाप से आप कन्विंस हुए हैं, तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके आस पड़ोस के लोग भी जानकारी मिलनी चाहिए लोगों को, ताकि वो भी अपने आप को इन्वायरमेंट फ्रेंडली के साथ साथ अपने घर की बचत को बचाएँ, क्योंकि खर्च बढ़ रहे हैं, महंगाई भी बढ़ ही रही है, तो लोगों को सेविंग होनी चाहिए। अगर सेविंग हमें इस तरीके से हो रही है तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि लोग जागरूक हो सके। धन्यवाद। बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा कर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।